हमारे घर में बेटियों में से पहली शादी है रीति की जी। शादी तो हम धूमधाम से करेंगे। बिल्कुल, और अच्छी बात यह है कि अब बरसों पुरानी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। बस वर्षा के आने की देर है, फिर हम लोग शादी की तिथि पक्की करके तैयारियां शुरू कर देंगे। क्या जरूरत, पंडित को बुला के मुहूर्त निकाल लेते हैं। हाँ, जितनी जल्दी तारीख पक्की हो जाए उतना ही अच्छा है, आखिर हमें भी तो तैयारी करनी है। ठीक है भाई, लेडीज फर्स्ट, हम तो क्या कर सकते हैं। कमाल है, अब तो शर्मा रही, अब तो मेरे भैया भाभी ने भी तुम्हारे घर वालों से बात कर ली, पर हमारी शादी की डेट भी निकल रही है यार। ऐसे ही तुम नहीं समझो, जब किसी लड़की की शादी की बात होती है तो वो शर्मा जाती है। तो एक बात बताऊं रिति, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। कुछ दिन की बात, और मैं और तुम। हाय मम्मी। जैसे किसने रेट रिति बेटा, कैसी है तू? एकदम मजे में, साकेत के साथ। अच्छा, हाँ खबर छे मने, अभी नीमो और कुणाल की शादी हुई थी, अभी तेरी और साकेत की होगी, है ने? अब रीति बेटा सांभर जे, थोड़ा संभाली ने, अभी शादी तक रुकना जरा, ज्यादा झूलना मिलना नहीं। हाँ तो पची अपनी नीमो को देखो कितनी डाई है, वो तो शादी के बाद भी कुणाल से इतना नहीं मिलती जुलती। क्या? हाँ अबे वो तो वैसे ही है ने, पर तू तो अपना ख्याल रखना। हाँ, और जबाई बाबू को मेरा जय श्री कृष्ण कह देना। बाय। मिस कर रही हूँ मम्मा को। हाँ, कभी इतनी दिनों के लिए इतनी दूर गई नहीं ना, तो आदत नहीं है। तुम्हारी मम्मी तो कुछ दिन में वापस आ जाएंगी, तो मैंने तो अपनी मम्मी को कभी देखा ही नहीं। साकेत, बट यू नो वन थिंग, मेरी भाभी है ना, मेरी माँ से कहीं बढ़कर है, एंड आई लव हर लाइक एनीथिंग। हाँ, मैंने भी महसूस किया है कि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती हैं। बहुत। जब भैया को ऑफिस के लिए और मुझे कॉलेज के लिए देर होती है तो भाभी सबसे पहले मुझे ब्रेकफास्ट बना के देती है। यू नो, बहुत अच्छी है। यू नो, भैया भाभी ने मुझे कभी मेरे पेरेंट्स की कमी महसूस ही नहीं होने दी। वो लोग मेरे लिए भी तुम्हारे पेरेंट्स की तरह ही हैं। हाँ, वो बहुत अच्छे। रीति, मेरी भगवान से एक ही प्रार्थना है, हमारा साथ हमेशा बना रहे। हमेशा। ये निम्मू, कितनी बड़ी दुकान है। हाँ, इधर तो बहुत महंगा है ना सब कुछ। ओ, लेकिन कांता बहन, हम तो यहाँ पर विंडो शॉपिंग ही करेंगे हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे घर में बहुत खिड़की है, मेरे को खिड़की नहीं खरीदनी है। रहने दो, तुम तो समझोगी नहीं, और वैसे भी जैसे ये मॉल है यहाँ तुम कुछ खरीद तो सकोगी नहीं, तो अपने खाली पर्स की तरह अपना मुँह भी बंद रखना। हवे कांता मासी, पैसे का क्या है, वो तो आवते हैं और जावे हैं। डॉलर्स हैं। जाके एकदम शॉपिंग करो, अपनी पर्स भर दो, और पर्स की जैसे अपनी जुबान भी चालू रखो। हाँ, चले चलो चलो। आय हाय, कितनी सारी जगह थी। नहीं heart-shaped pendants, which is a specialty, right? Yeah, the one that you bought last year. Yeah, that's the one. Okay.
with love to Natasha. Thank you. तो हमारी नीमो के लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए यहाँ पर आया है ने? ने? अरे मगर तू मर्दों को क्या समझता है ज्वेलरी के बारे में है? नीमो इधर आ बेटा इधर आ, ये तुम तो बताएगी, इसको सब बता। नीमो ले ले बेटा अपने पसंद का जो भी लेना है ले ले, काट ले उसको। ले लो। सॉरी, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लो जो चाहिए ले लो। अब एक दोस्त के नाते ले लेना, डोंट वरी इट्स ओके, जाओ। ठीक है, लेकिन एक साल के बाद मैं सब कुछ वापस कर दूंगी। ओके, जाओ, जो है, एक्सक्यूज मी, जस्ट शो हर व्हाटएवर शी वांट्स, या, जो है। बिल्कुल तुम्हारी तरह डेलिकेट है। आई थिंक यू आर गॉर्जियस इन दिस। या यू डू, यू लुक स्टनिंग। और जो तुमने देखा था ना उससे काफी बेहतर है ना? ये कह दो ना कि तुम वो वाला डायमंड नेकलेस अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे बुरा नहीं लगेगा। इट्स ओके। कुनाल, तुम इस लेडीज टॉयलेट के अंदर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, किसको ढूंढ रहा था। किसे? भाई यार, मुझे पता था वो इस वक्त मनुष्य जरूर आती है। और कौन कुनाल? कुछ नहीं। अरे क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, वो वाली बात है। तुम भी किसी को बहुत मिस कर रहे हो ना? I understand. होता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ बातें कभी ठीक नहीं होती। या ऐसे सिचुएशन में ऐसा ही फील होता है। आई अंडरस्टैंड। मैं खत्म होते ही दे देती हूँ। स्वाति, तुम्हें लेट काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा काम है, और अगर आप इतनी देर तक ऑफिस में रहकर काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। Right.
होगा। हाँ पापा। स्वाति बेटे रात के 2 बजने को है, अब और कितनी देर है तुम्हें? तुम्हारी राह देखते हुए मैंने खाना भी नहीं खाया। वो पापा मैं निकलने ही वाली थी कि कुछ काम आ गया। लेकिन बेटे तुम अपने बॉस से बात क्यों नहीं कर लेती कि इतनी देर तक तुम्हें काम मत? मैं जल्दी ही निकलने की कोशिश करूंगी। स्वाति कब से फोन था? यस सर, वो एक्चुअली मेरे पापा, उन्हें रात तक काम करना, एक्चुअली वो सोते नहीं हैं, यू नो ही इज अ बिट रिजर्व्ड, बट इट्स ओके। यस आई अंडरस्टैंड। देखो स्वाति, हमारे फील्ड में काम की क्वालिटी के साथ साथ स्पीड और स्मार्टनेस बहुत मैटर करता है, इसलिए हम लोग दिन रात लग कर काम करते हैं। आई नो कि तुम्हारे अंदर काम करने की लगन है, कैपेबिलिटी है, आई नो दैट, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो। एनीवे चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ा। नो सर इट्स ओके। तकलीफ की कोई बात नहीं है, कल सुबह जल्दी आके काम कर लेना। सर वो एक्चुअली थोड़ा सा ही काम बचा है। तो ठीक है, फिर मुझे भी इंतजार करना होगा। ओके मैं अभी चलती हूँ। अपने कॉइन्स ले लीजिए। नो हाँ, कुरान खाने क्या आया? ये तो पूरा स्मगलर का अड्डा लगता है। स्मगलर का अड्डा नहीं, यहाँ सब लोग जुआ खेलते हैं, कसीनो बोलते हैं से कसीनो। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ। अरे मम्मी ने तो कसीनो घर में, और ये जुआ रात को खेलते हैं ना अंधेरे में, यहाँ तो इन्हें किसी बात का डर ही नहीं है। उनको डर नहीं है कि बिजली का बिल कितना बढ़ेगा? ये सब छोड़ कांतामासी, ये सोचो कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम कॉइन्स लेकर कुछ खेल सके। तुम सैगल परिवार की बहू हो? कुणाल सैगल की बीवी। ये रहे तुम्हारे हिस्से के कॉइन्स, सारी रात भी खेलोगी तो खत्म नहीं होंगे। Go, walk it. नहीं नहीं हम नहीं खेलेंगे, तुम खेलो। हाँ तो उन्हें भी तो पता लगना चाहिए ना कि ये तुम्हारी बीवी है। अरे मजाक कर रही हूँ, ला ले लो, ला सब खत्म करे ना। अरे ये तुम्हारा? मैं ब्लैक जैक टेबल पर बैठा। ए, इधर आओ। मेरे को खेलना है ये। हाँ मालूम है, अंग्रेजी नहीं आती तो क्या हुआ? हाँ मालूम है, जाओ तुम जाओ। Hey, क्या बात है, तुम खेल नहीं रहे हो? नहीं नहीं मुझे नहीं आता खेलना। अरे सुनो, देखो वहाँ मेरा अटेंडेंट खड़ा है, उसे चिप्स ले लो। Go on, have fun. जाओ।
काम हो गया। मैंने लीवर के पास वो चिप लगा दी है। अब जैसे ही निम्मो वो लीवर खींचेगी और ब्लास्ट होगा और अपना मिशन कंप्लीट। सॉरी मैम, द मशीन इज नॉट वर्किंग। इट्स ओके। शिट, ये वार तो खाली गया। हमें कोई और मौका देखना होगा। इतनी भीड़ में अटैक करना समझदारी नहीं होगी। अरे कितनी देर लगा दी, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। एक फोन कर देते कि देर होने वाली है, पता है मैंने खाना भी नहीं खाया। आरती सॉरी, मैं भी ना आपके आते ही लेक्चर शुरू कर दिया। आप थक गए होंगे, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा। नहीं, मैंने खाना खा लिया है। तुमको भी खाना खा लेना चाहिए, मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा है। तुम जानती हो मुझे अक्सर देर हो जाती आने में। मेरा अकेले खाने का मन नहीं करता, और आज साकेत और रति भी डिनर पर गए तो मैंने सोचा कि मैं आपका इंतजार कर लेती हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन कल जल्दी आ जाइएगा। साकेत की शादी का बहुत सारा काम बचा है, और वो इन्विटेशन कार्ड, शादी का हॉल और बहुत सारी तैयारियाँ करनी होती है हमें। आरती, मैं ऑफिस में थोड़े दिन बिजी रहूँगा। रिति की दादी ने भरोसा करके हमें यह चैनल दिया है, मुझे उनके विश्वास पर खरा उतरना है। और तुमको जहाँ जाना है, जो करना है तुम करो। लेकिन आरती प्लीज, तुम तो जानती हो मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम भी किसी भी वक्त कैसी बातें लेकर बैठ जाती हो। रियल Sorry, honey. But that number is already taken. That's okay. मैं कोई और नंबर सिलेक्ट कर लेती हूँ। I think तुम्हारा लक ट्राई करते हैं। मेरा लक आज बहुत बुरा चल रहा है। देखते हैं भगवान ने तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। ऐसी बात है तो फिर हम दोनों हारेंगे। भगवान ने मेरी किस्मत बड़े ही बुरे मूड में लिखी है। मेरे से सब कुछ उल्टा होता है। नहीं, आज हम पहली बार मिले हैं ना। Let's try our luck, okay? Okay. Let's see. Oh my God, I don't believe this. जीते! देखा, मैंने कहा था ना, congratulations. Thank you. वैसे मुझे लगता है तुम मेरी जिंदगी में मेरा लक वापस लेकर आई हो। That's amazing. अगर मेरे आने से किसी की जिंदगी का लक वापस आता है, I'll be very happy. Hey, you're so sweet. It's really nice meeting you. नताशा, नम्रता, तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। तुम यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने आई हो? एक्चुअली मैं कनाडा से हूँ, लेकिन यहाँ भी मेरा एक घर है मॉरिशस में। मैं इस जगह से बहुत जुड़ी हुई हूँ, इसलिए आती रहती हूँ। और तुम? एक्चुअली मैं हनीमून, काइंड ऑफ हनीमून, व्हाट्स दैट? मुझे कुछ पता नहीं, आई एम रियली कंफ्यूज्ड। Oh my God! You know what? You remind me of my ex-boyfriend. वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था, बिल्कुल confused. और मेरा पति भी, हमेशा confused. Namrata, you're a very sweet girl, but you know what? I have to run. वरना मैं तुम्हारे पति से जरूर मिलती. Anyway, you have a great honeymoon and take care. Thank you. Bye.